आज मैं आपको पेट में जलन, खट्टी डकार, सीने में जलन, यानी जब खाना ठीक से नहीं पचता है तो हमारे पेट में एसिडिटी गैस बन जाती है, जिसकी वजह से पेट में जलन होता है, पेट में दर्द भी होने लगता है, सीने में जलन होने लगती है और बहुत सारी परेशानियां होने लगती हैं, क्योंकि ये गर्मी के सीजन में जब खाना ईजिली डाइजेस्ट नहीं होता है तो वो हमें गैस बना देता है, यानी एसिडिटी बना देता है। तो इस एसिडिटी को दूर करने के लिए हम ऐसा कौन सा घरेलू उपचार करें जो हमें मिनटों में आराम दे दे, तो आज मैं आपको वही तरीका बताने जा रही हूँ। बहुत ही बेस्ट सा घरेलू उपचार है, आप इसको करेंगे तो आपको कितना भी भयंकर गैस बना हो, उसकी वजह से पेट में सीने में दर्द है, तो आप इसे तुरंत ही आपका वो दर्द, आपकी वो बीमारी छूमंतर हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये किस तरह से बना हो, कौन से इंग्रेडिएंट इसमें लगेंगे। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, नए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल का आइकन है यानी घंटी का बटन, इसको दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो लाएँ तो आपको उसका तुरंत ही अपडेट मिल जाए। तो देखिए, बहुत ही इफ़ेक्टिव सा ये ट्रीटमेंट है, घरेलू उपचार है, जिसको हम घर बैठे ही कर सकते हैं और सारे इंग्रेडिएंट आपको घर में ही आसानी से मिल जाएंगे। तो ये बनने वाला है सौंफ से। सौंफ बहुत इफ़ेक्टिव होता है, हमारे डाइजेशन को भी बूस्ट करता है और जो कुछ भी हम खाते हैं इसलिए वो डाइजेस्ट करता है। तो देखिए, सौंफ है, सौंफ दो तरीके से आता है, एक पतला वाला होता है, एक मोटा वाला होता है। तो सौंफ हमको ऐसे ही भी खाना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है। तो देखिए, हमने सौंफ लिया है, तो किस तरह से हम सौंफ को यूज़ करेंगे। सौंफ से कई तरह से आपको बनाया जाता है गैस और एसिडिटी के लिए उपचार। मैं आपको आज इंस्टेंटली हम तुरंत कैसे बना के यूज़ कर सकते हैं उसका एक बहुत ही ईजी सा रेमेडी है। तो देखिए, हमें लेना है एक चम्मच सौंफ। तो ये सौंफ का दाना अगर आपके पास जो भी हो, बस बहुत मोटा वाला सौंफ आप यूज़ नहीं करेंगे, जो हरा वाला सौंफ इस तरह से आता है, थोड़ा पतला, आप उसे यूज़ करिएगा। तो देखिए, सौंफ के दाने हैं, इसी से हम बनाने वाले हैं रेमेडी। तो इस तरह से आप एक बार में जब आप इंस्टेंटली बना रहे हैं तुरंत के लिए, तो आप एक चम्मच सौंफ यूज़ करेंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बनाने के लिए हम इसको मिक्सी के जार में सबसे पहले इसे पीसेंगे। तो आप इसको पीस के पहले से भी इसका पाउडर बना के रख लीजिए, जिससे आपको जब भी पीना हो तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम बहुत इफ़ेक्टिव बना रहे हैं तुरंत, किस तरह से हम इसको बनाएंगे, बहुत ही इफ़ेक्टिव सा रेमेडी है। एक चम्मच देखिए सौंफ डाल देना है। सौंफ के साथ आप, सौंफ के अलावा डालेंगे इसमें मीठा, तो मीठे के लिए आप धागे वाली मिश्री यूज़ करिए। देखिए, धागे वाली मिश्री हमें नहीं मिल पाई, इसलिए हम आपको इस तरह से मिश्री, अगर ये भी है तो आप यूज़ कर सकते हैं, ये भी हेल्दी मिश्री होता है। इसके साथ आप डालेंगे दो चम्मच, दो छोटी इलायची, और इसमें आप एक चम्मच या दो चम्मच मिश्री डाल दीजिए। अगर आपके पास इस तरह दाने वाले हैं तो जितना मीठा आप पसंद करते हैं उस तरह से आप ऐड कर लीजिए। तो यहाँ पर हम एक चम्मच मिश्री डाल दे रहे हैं। अगर धागे वाली मिले तो आप उसे ही दवा में यूज़ करिए, दवा में बहुत इफ़ेक्टिव हो जाता है धागे वाली मिश्री। उसके साथ यहाँ पर डाल रहे हैं पुदीने के पत्ते। तो पुदीने के पत्ते आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, इसमें देखिए 10 से 12 लिए हैं, तो आप इसमें डाल लीजिए। पुदीना बहुत ही अच्छा होता है, इससे पेट हमारा ठंडा होता है और जो भी कुछ हम खाते हैं इजली डाइजेस्ट भी हो जाता है, एसिडिटी को तुरंत रिमूव करता है। तो अब इसमें थोड़ा सा दो तीन चम्मच पानी डाल दीजिए, जिससे बढ़िया सा बन जाए। हमें पतला सा पेस्ट नहीं बनाना है, कुछ दरदरा सा ही बनाना है। तो देखिए, इस तरह से दो चम्मच में पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। तो अभी हमारा दरदरा सा एक पेस्ट बन के तैयार हो गया। देखिए, बहुत फाइन नहीं किए हैं। अगर आपको इस तरह से दरदरा नहीं बनाना है तो आप क्या करिए, सौंफ को पीस के उसका एक पाउडर बना के तैयार कर लीजिए और फिर उसमें पुदीने के पत्ती और मिश्री, इसको आप उसमें दरदरा कूट लीजिए और उसको उसमें ऐड कर दीजिए। तो देखिए, हमारा ये बन के तैयार हो गया पेस्ट, बहुत इफ़ेक्टिव है। अब इस तरह से एक ग्लास लीजिए, उसमें एक चम्मच खोलिए और तुरंत ही पी जाइए। एक बहुत ही क्विकली रेमेडी है, आप तुरंत बना के तुरंत ही तैयार करके पी सकते हैं। तो ये देखिए, एक ग्लास में इसको हमने पोर कर दिया। अब इसमें पानी डाल देंगे, ये बहुत इफ़ेक्टिव, आपको तुरंत आराम देगा। अगर आप पेट में भयंकर दर्द हो रहा है, गैस है, अपच है, खाना नहीं डाइजेस्ट हुआ है, कभी कभी ऐसा होता है गैस पेट में बनी रहती है और लगता है कि चेस्ट की तरफ जा रही है, उस समय बहुत ज़्यादा अफनाहट होती है, परेशानी होती है गैस से, तो ये आपको तुरंत ही क्विकली आपको आराम देगा, ये पेट को ठंडा भी करेगा। और गर्मी में आप इसे डेली दिन में 2 से 3 बार पी सकते हैं, आराम से पेट को ठंडा करेगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। तो ये देखिए, हमारा बन के तैयार हो गया। बस आप इसे तुरंत, जब भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, आपको गैस एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनी हो, पेट में दर्द हो रहा हो, तो आप इस तरह बनाइए क्विकली और तुरंत ही इसको गिलास में घोलिए और पी जाइए। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिव सी रेमेडी है। और सौंफ को हम और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, दिन में आप इसे चाहिए, जैसे कभी होटल में कभी खाने जाते हैं तो आप देखते हैं बाउल में मिश्री और सौंफ रखा होता है। वो क्यों रखा होता है, इसलिए रखा होता है, उसके पीछे एक बात होती है कि ये क्या करता है, सौंफ और मिश्री अगर आप एक साथ मिला के खाएंगे
तो वो आपका जो भी कुछ खाए रहते हैं वो आपके डाइजेशन को ये बूस्ट करता है, यानी जो भी कुछ खाया रहता है उसे ईजिली ये डाइजेस्ट करने में हमारी काफ़ी हेल्प करता है। तो आप भी क्या करिए, हमेशा अपने घर में इस तरह से एक प्लेट में मिश्री और इस तरह से सौंफ रख लीजिए और आप इसे दिन में 2 से 3 बार इस तरह से हाथ में लेके खाइए। इससे माउथ फ्रेशनर कहिए, इसकी क्या है, इसे माउथ फ्रेशनर ही बोलते हैं। तो ये माउथ फ्रेशनर आप घर में बना के रख लीजिए, इसे आप 2 से 3 बार खाएँगे तो ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होगा। इससे आपके मुंह में जो छाले होते हैं या किसी भी तरह का इन्फेक्शन होता है वो भी नहीं होने पाएगा, क्योंकि ये जो सौंफ है बहुत इफ़ेक्टिव है। और साथ साथ ये जो हम कुछ खाए रहेंगे या इसे आप खाने के बाद ही यूज़ करिए, जब आप खाना खा लेते हैं यानी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच करते हैं, डिनर करते हैं, उसके बाद जब भी आप इसे फिनिश करते हैं इसे आप थोड़ा सा लीजिए हाथ में और खा लीजिए। इससे क्या करेंगे, जो आप खाए रहेंगे वो आपको बहुत ही ईजिली डाइजेस्ट कर देगा और मुँह का स्वाद भी बहुत बढ़िया सा आ जाता है। तो आप इसे ट्राई करिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल के आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे हम कोई नई वीडियो जब डालें तो आपको उसका तुरंत ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।